लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है यारों, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं। हमें पसंद नहीं किसी का इंतजार करना, इसलिए हम जहां भी जाते हैं थोड़ी देरी से जाते हैं। चुप रहता हूं फिर भी लोग जलते हैं, हम अपनी खामोशी में इतना दम रखते हैं। ध्यान से देख इस आदमी को, तुझे इसमें एक थका और हारा हुआ इंसान दिखाई देगा, जिसने खुद को अपने दुखों और तकलीफों के बोझ के नीचे दबा के मार डाला है। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। सीने विच बिखरे एक नाम तेरा ही लेंदे रह गए। जो हमारे साथ साथ किसी और का भी हो, हम उससे पल भर में नाता तोड़ते हैं। और अगर तुम खूबसूरत हो तो अपने लिए हो, हम किसी की खूबसूरती नहीं चरित्र देख के रिश्ता जोड़ते हैं। और फोकस अभी करियर पर है, औकात की बात करने वालों से बाद में मिलेंगे। फिर से आऊंगा अपने उरूज पे, मैदान में हारा हूँ, मैदान छोड़ा नहीं है मैंने। कामयाबी तो मैं लेके आऊंगा, दिन चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो। जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो बस चलते नहीं है, भागते हैं। जरूरत, मेहनती, मजदूर और माँ, ये सब सूरत से पहले जागते हैं। हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं है। सुनो मैडम, ये महंगे नखरे हम जिन बालों को मत दिखाना, जितने तो तुम्हारे महीनों के खर्चे होंगे पार्टियों के, उनसे कई ज्यादा के तो हम दिनों में प्रोटीन पी जाते हैं। ये देखो सपने मेरे नींदों से, थक गया हूँ लेकिन हारा नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, बेसहारा नहीं। उस वादे के लिए मैं खुद कर्ज भी बनूंगा, काया भी बनूंगा, खूनी बनूंगा, क्रिमिनल बनूंगा, विलन भी बनूंगा, उसकी ख्वाहिश ही मेरे से है। खुद लाऊं रोज एक नया दिल, कहां से लाऊं रोज एक नया दिल, तोड़ने वालों ने तमाशा बना रखा। नाराज तुमसे नहीं मेरी जान, अपने दिल से हो, औकात देखी नहीं और तुम्हें अपना समझ बैठा। मेरे भाई अच्छा हुआ जो बॉडी चार दिन में नहीं बनती, नहीं तो ये दो कौड़ी के लोग अपनी औकात दिखाया करते। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। चलना पड़ेगा यार, कोई रास्ता नहीं। 2024 का व्रत लो तुम, 2024 की शुरुआत तुम तपस्या की शुरुआत करो कि अब मुझे तपस्या करना है। अपने आप को अपनी लाइफ में जीएफ आए या ना आए, पर चेहरे पर स्माइल की और जिंदगी में स्टाइल की कभी कमी नहीं होगी। मैं सपने सिर्फ देखने की ही नहीं, पूरे करने की भी ताकत रखता हूँ। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन उसकी याद आज भी आती है। बुरी आदत है,
कहां जाती है। हार कैसे सकता हूँ, अभी तो किसी को गलत साबित करना है। लिखता था गली में, अभी लिखता हूँ प्लेन में, असल जिंदगी है मेरी। सैक्रिफाइस का जरूरत पड़ता है, और बिना सैक्रिफाइस के आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं लोगों से हमेशा पूछता हूँ क्या चाहिए, तो लोग मुझे बड़े बड़े सपने। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। मेरे भाई अगर कुछ करना ही है तो जिम करो, क्योंकि बकचोदी तो सब करते हैं। पगली 2 साल पहले बोल के गई थी कि तेरे जैसे बहुत मिलेंगे, अब इंस्टाग्राम पे है। मेहनत अपने खून में है लाला। किसी के बेटे को बर्बाद करने से पहले ये सोच लेना कि माँ की बद्दुआ नस्लें बर्बाद कर देती है। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बागबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समुंदर डूब जाते हैं। अगर कामयाब नहीं हुए तो? ना कामयाब तो मैं नौकरी में भी हो सकता हूँ। कामयाबी कागजों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है। मेहनत ऐसी करो मेरे भाई कि देखने वालों के पसीने छूट जाए। हारी हुई बाजी खेला, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में। आंसू नहीं पसीना बहाऊंगा। तू मुझे छोड़कर गई, मुझे गम नहीं मेरी जान। थोड़ा सबर कर, तेरे जैसी 36 नचाऊंगा। दोस्ती देख ली, रिश्तेदारी देख ली, सक्सेस देख ली, फेलियर देख लिया, क्या क्या नहीं देखा मैंने। किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा। किला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। और बस यही है कि जिस दिन जाए ना, सपना नहीं है, कुछ नहीं है कि ये कमाना है, पैसे कमाने हैं, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। बस ये है कि इतना प्यार कमाना है, इतने भाई कमाने हैं कि जिस दिन जाए ना, शमशान में इतनी भीड़ हो के लोग कहीं कोई आदमी गया था, यही मेरी कमाई है, यही मेरी कीमत है, सब कुछ मेरे लिए मेरे। तुझको तो मेरी जान वक्त बताएगा कि ये दुनिया क्या है और मैं क्या था। मुझे ये तो नहीं पता मैं जीतूंगा कैसे, मगर मुझे इतना पता है हारने वाला तो नहीं हूं। देख, अगर अपना सब कुछ मैंने खुद ही बर्बाद किया ना, तो अब एक एक चीज दोबारा से मैं खुद ही बन। माँ मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करूं? और तेरी पढ़ाई का क्या? अरे मैं एथलीट हूँ, उसी में आगे बढ़ूंगा। पढ़ाई लिखाई के बिना उससे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ माँ? तो तुम्हारे। अरे अच्छा ही हुआ तूने छोड़ दिया मेरी जान, तेरे साथ होते तो आज यहाँ नहीं होते। पिछली बार हार गया था मेरी जान, लेकिन एक बार फिर तुम्हें पाने के लिए इस ग्राउंड में आएंगे। हमने उसी दिन अपनी सारी ख्वाहिशें त्याग दी थी जब माँ ने कहा कि पूरी घर की जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है बेटा। हम जिम वालों को अलग ही दिक्कत होती है भाई। बॉडी बनाने जाओ तो पैसा खत्म हो जाता है, पैसा कमाने जाओ तो बॉडी खत्म हो जाती है। जिस माँ बाप
20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए। शक्ति पैदा करिए। मर गया जो तेरे प्यार में मरने वाला वो शख्स, अब जो जिंदा है वो दरिंदा है। अगर इतनी ही नफरत होने लगी है हमसे तो दिल से कोई ऐसी दुआ करना कि तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाए और हमारी मौत भी हो जाए। तू लड़की के पीछे भागेगा, कुत्तों जैसी फीलिंग आएगी। एक बार जिम के पीछे भाग के देख, शेरों वाली फीलिंग आएगी। हमेशा हारी हुई बाजी खेला, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं और उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर अपनी नींद को आग लगाई है। बहुत मेहनत करी है, बहुत टूटे हैं, तब जाके रब ने ये नियामतें सजाई है। अपने सफर में हूँ, मजे में हूँ, सामने होता तो क्या कर लेते। अजी अपने सफर में हूँ, मजे में हूँ, सामने होता तो क्या कर लेते। लगे पड़े हैं लोग हमारी बुराई करने में, इतना वक्त खुद को देते तो शायद तुम भी कुछ हासिल कर। जिद होनी चाहिए कुछ पाने की, ख्वाब तो हर कोई देखता है।